everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 14, how big, how heavy. So in the last video we saw the solution till question number 2, we saw the solution of question number 1 and 2, and now we are going to continue with question number 3. So question number 3 is, fill red color in the object which has the highest volume and yellow color in the object which has the least volume from the following object. ठीक है, यहाँ पे हमें 6 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. अब बोला है इसमें जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो उसको रेड कलर करो और जिसका सबसे कम वॉल्यूम है उसे येलो कलर करो. ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज़ द कैपेसिटी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. ओके, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. ठीक है, कि किस में ज़्यादा लिक्विड कंटेन कर सकता है. ठीक है, ऐसा उसे वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, तो अब हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी दिख रही है हमें? इस गिवन क्यूब की. तो ठीक है, तो इसको हम रेड कलर कर देंगे. इट हैज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम. सबसे कम कैपेसिटी दिख रही है हमें इस थर्मोमीटर की. ठीक है, थर्मोमीटर में जो बीच में गिवन स्पेस होता है यहाँ पे होता है मर्क्यूरी, एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं मर्क्यूरी. ठीक है, तो सबसे कम कैपेसिटी है इस थर्मोमीटर की, तो इसे हम येलो कलर कर देंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग शेप्स. यहाँ पे हमें शेप्स गिवन है, हमें वहाँ पे बताना है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब्स दिए गए हैं. ठीक है, 1 दिया है, 2 दिया है. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब्स यहाँ पे हमें दिए, यानी कि ये जो क्यूब्स गिवन हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस, ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकेंड है, थर्ड है, हर एक की साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, सेंटीमीटर्स में है, तो हमें काउंट करके बताना है कि यहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स क्यूब है. ठीक है, तो फर्स्ट में तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितने क्यूब्स हैं. देखो 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर क्यूब्स. देन नंबर 2, यहाँ पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितने क्यूब्स है. देखो 1, 2, 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर क्यूब्स. देन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे हमें काउंट करके बताना है कि यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं. तो देखो हमें सामने कितने दिख रहे हैं. ठीक है, जितने ही सामने हमें क्यूब्स दिख रहे हैं उतने ही पीछे हैं. ठीक है, गिवन फिगर से ही पता चल रहा है. ठीक है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 सामने है, 12 ही पीछे होंगे. ठीक है, तो 12 प्लस 12 24. ठीक है, इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और नेक्स्ट तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स फाइंड आउट करने का ये भी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का ये भी है, कि हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ कितनी है? देखो 1, 2, 3, 4. ठीक है, ब्रेथ कितनी है? 1, 2. और देखो हाइट कितनी है? 1, 2, 3, 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब 4 2 8 एंड 8 3 24. ठीक है, इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटीमीटर्स क्यूब, और हम काउंटिंग करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, विच एवर यू फाइंड ईजी. देन नेक्स्ट हमें दिया है नंबर 4. ठीक है, अब हमने इसमें इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ की बिकॉज यहाँ पे ये क्यूबॉइड था. ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड के लिए ही हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ हमें ऐसे शेप्स गिवन हैं, ठीक है, जहाँ पे जो लेंथ्स है वो इक्वल नहीं है. ठीक है, ये ना ही क्यूब है ना ही क्यूबॉइड है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्यूब्स काउंट कर लेंगे. तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यहाँ है 12 सेंटीमीटर क्यूब्स. देन नंबर 5, यहाँ पे भी हम काउंट कर लेते हैं. देखो यहाँ पे एक क्यूब की लाइन है, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी है. तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. यहाँ पे होगा एक 9, 10, 11, 12. तो यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर क्यूब्स. अब यहाँ पे देखो क्यूबॉइड है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. ठीक है, ये हुई लेंथ, ब्रेथ और हाइट. लेंथ कितने सेंटीमीटर है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ब्रेथ इज़ 1, 2, 3 एंड हाइट इज़ 1, 2, 3 सेंटीमीटर्स. ओके, सो 8 3 24 और 24 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से. सो 3 4 12 1 3 2 6 प्लस 1 7 72. ठीक है, आप काउंटिंग करोगे तो भी आपको यही मिलेगा. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ठीक है, यहाँ 24 है, इसके पीछे भी ये वाली लाइन में भी 24 होंगे और ये वाली लाइन में भी 24 होंगे. तो 24 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. यहाँ पे हमने सेम चीज़ किया, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 72.
ठीक है, दोनों ही मेथड से अगर आप ईच क्यूब काउंट कर रहे हो तो भी 72 आएगा, और आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कौन सी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इंटू हाइट, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव नंबर 7, यहाँ पे भी हमारे पास क्यूब है, हम सेम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट वाली मेथड यूज़ करेंगे। देखो लेंथ कितना है 1, 2, 3, ब्रेथ कितना है 1, 2, 3, एंड हाइट कितनी है 1, 2, 3, सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ओके, सो यहाँ पे है 27 सेंटीमीटर क्यूब्स। नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्यूब है, इसमें भी हम सेम मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो लेंथ कितनी है 1, 2, ब्रेथ कितनी है 1, 2, 2 सेंटीमीटर्स, एंड हाइट है 2 सेंटीमीटर्स अगेन, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, तो यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर्स क्यूब। ठीक है, ऐसे काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, और 4 ही पीछे होंगे, ठीक है, तो 4 प्लस 4 8, ठीक है, हो गया 8। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव हमें गिवन है, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर ऑफ द फॉलोइंग क्यूब, ठीक है, यहाँ पे हमें एक क्यूब गिवन है, इस ही क्यूब को यूज़ करके हमें जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्यूब गिवन है, यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड है, यहाँ लाइंस है और यहाँ डॉट्स है, ठीक है, सिंस हमारे क्वेश्चंस पीछे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस क्यूब को यहाँ पे सेम एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा क्यूब सेम है, सेम यहाँ पे भी 4 आपको दिखे, यहाँ 8 क्यूब्स डार्क शेड में दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 8 स्क्वायर्स डार्क शेड में, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 ही है, ठीक है, इतना पार्ट शेडेड है और इतना पार्ट डॉटेड है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हाट इज़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूब, ठीक है, यानी कि जो गिवन क्यूब है उसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है, ठीक है। तो लेंथ देखो 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, और हाइट 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है, एंड हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, लेंथ क्या है 4, ब्रेथ भी क्या है 4, एंड हाइट भी क्या है 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 4 ज़ा 16, एंड 16 4 ज़ा 64, ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूबिक यूनिट में, यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर, सो क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक, यानी कि जो ब्लैक कलर्ड का क्यूबॉइड है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, ठीक है, तो लेंथ काउंट करते हैं, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ और ये हाइट, सो लेंथ है 1, 2, 2 सेंटीमीटर लिख दिया, ब्रेथ क्या है 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर्स, हाइट क्या है, तो हाइट, ठीक है, ये जो हाइट है वही यही हाइट है, ठीक है, इसको भी हाइट ही बोलेंगे, तो 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी क्या है 4 सेंटीमीटर्स। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक, यानी कि ये जो ब्लैक कलर्ड का क्यूबॉइड है, ठीक है, इतना पार्ट जो है उसको, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेबल है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट लास्ट क्वेश्चन में ही पूछी गई थी, सो 2 × 4 × 4, सो 2 4 ज़ा 8, एंड 8 4 ज़ा 32, यानी कि जो ब्लैक कलर का क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है वो है 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ नंबर 5, व्हाट इज़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड विथ लाइंस, यानी कि अब जो लाइंस वाला क्यूबॉइड है, ठीक है, लाइंस वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, ठीक है, चेकआउट करते हैं, ओके, ये लाइंस वाला पार्ट हो गया, इसका लेंथ क्या है, देखो यहाँ पे 1 और 2 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये वाली पार्ट ब्रेथ है 1, 2, 3, 4 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, इसे हाइट कहेंगे, ठीक है, हाइट कितनी है 1, 2, 3 सेंटीमीटर, सो हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विथ लाइंस, यानी कि
लाइन वाला जो क्यूबॉइड था उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ क्या मिला था हमें लास्ट क्वेश्चन में चेकआउट कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ था 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। हाइट है 3, सो 2 × 4 × 3, सो 2 4 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24, सो 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ नंबर सेवन इज़ वॉट इज़ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड विद डॉट्स। अब जो डॉट्स वाला क्यूबॉइड है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, ठीक है। तो लेंथ तो ये वाला पार्ट हो गया 1, 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ, ब्रेथ कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ब्रेथ क्या हो गई 1, 2, 3, 4, 4 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट क्या हो गई, हाइट तो 1 सेंटीमीटर ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विथ डॉट्स, यानी कि डॉट वाली क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करो। अगेन हम सेम मेजरमेंट्स यूज़ करेंगे और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 1 सेंटीमीटर। सो 2 × 4 × 1, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। तो वॉल्यूम विद डॉट हैज़ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विद डॉट इज 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच क्यूबॉइड हैज़ द हाइएस्ट वॉल्यूम, क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक, क्यूबॉइड विथ लाइन्स और द क्यूबॉइड विथ डॉट्स। यानी कि हमें पूछा है कि कौन सी क्यूबॉइड का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट ही किया है, कौन से क्यूबॉइड का ज़्यादा वॉल्यूम है, ब्लैक वाले का, लाइन्स वाले का या डॉट्स वाले का। तो देखो ब्लैक कलर्ड वाला जो क्यूबॉइड था उसका वॉल्यूम था 32 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ब्लैक वाले का था 32, और क्यूबॉइड विथ लाइन्स, लाइन्स वाला जो क्यूबॉइड था उसका था 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, और डॉट्स वाला जो था उसका था 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हाईएस्ट कौन है, ब्लैक, ठीक है। सो क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक हैज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट नंबर 10 हमें पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक एंड द क्यूबॉइड विथ लाइन्स। यानी कि क्यूबॉइड जो कि ब्लैक कलर का है और क्यूबॉइड विथ लाइन जिसमें लाइन्स हैं, उन दोनों का टोटल वॉल्यूम क्या है। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कलर्ड इन ब्लैक एंड क्यूबॉइड विथ लाइन्स, तो ब्लैक वाले का वॉल्यूम क्या था 32 एंड लाइन्स वाले का वॉल्यूम क्या है 24। सो 32 + 24 = 56 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है खत्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।